अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये हैवी प्लेट्स कैसे दीवार पर टांगी जाएं घर पे ही, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे ऑप्शंस और बेस्ट ऑप्शन की कॉस्ट, टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है बनने में और कहाँ से खरीदें सब बताने वाली हूँ। इसके साथ मैं टिप्स भी बताऊँगी ताकि आपकी प्लेट सीधी टंगे, टेढ़ी मेढ़ी ना टंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ये जो प्लेट्स बनाते हैं विच आर वेरी इजी टू डू, इजी टू पेंट, इनको हम दीवार पे कैसे टांग सकते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी आप कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं इन हैंगिंग प्लेट्स की, यूजली क्लस्टर में टंगती हैं, मतलब एक या दो प्लेट नहीं होती, यूजली 10, 12, 15 इस तरीके से एक उनका सिमेट्रिकल भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, दीवार पे अलग अलग तरीके से टांगी जाती हैं। अब इनको टांगना जो है वो एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। एक, क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती हैं, आप कोई नॉर्मल चीज़ से पेस्ट नहीं कर सकते हैं, फेविकॉल या किसी चीज़ से आपकी दीवार भी ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप इसके लिए रेडीमेड कुछ सोल्यूशन देखते हैं तो ये स्प्रिंग्स आती हैं, अभी वो स्प्रिंग्स जो हैं कंपैरेटिवली बहुत ही कॉस्टली होती हैं। अगर आप इन प्लेट्स को रिसाइकलेबल के हिसाब से बना रहे हैं, पुरानी पड़ी हुई प्लेट्स को पेंट कर रहे हैं, ये स्प्रिंग ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यूजली ऑनलाइन मिलती हैं और 80 से 100 रुपए की एक स्प्रिंग होती है। वो फ्लेक्सिबल है, अच्छी बात है, लेकिन शायद उनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसका एक ईजी सोल्यूशन जो है वो है, आप घर में ही करीबन 10 रुपए में एक चीज़ बना सकते हैं जिससे ये प्लेट्स आपकी टांगने लायक हो जाएं और बहुत मजबूत भी है। ऑनलाइन आप एक और सोल्यूशन देखेंगे कि स्टिकिंग आपको मोल्ड्स टाइप मिलेंगे, बट वो मजबूत नहीं रहते, कुछ ही दिन में गिर जाते हैं और आपकी प्लेट, आपकी मेहनत सब बर्बाद चली जाती है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि क्या है ये चीज़। बेसिकली इसको ऐसे मैंने हैंग किया हुआ है, एक बनाया हुआ है, आप देखेंगे ये कितना मजबूत है। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, मैं आपको इस प्लेट पे बना के दिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको जो चाहिए वो है एक पिक्चर फ्रेम। ये बहुत ही आसानी से किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे पिक्चर फ्रेम के नाम से मिल जाता है। अगर आपको हार्डवेयर की दुकान ना मिले तो कोई भी पिक्चर फ्रेम करने वाली जो दुकानें होती हैं वो लोग ये आपको ये 1 से 2 रुपए की रेट में दे देते हैं। ये मेरा 2 रुपए का आया था, मैंने एक पास की ही पिक्चर मरने वाली, जो मारने वाली दुकानें होती हैं उनसे लिया था। दूसरी चीज़ जो लगेगी वो है एक मोल्डेड का पैकेट। मोल्डेड का पैकेट फेविक्रिल कंपनी से है, ये 20 रुपए का आता है। इसके एक पैकेट में करीबन 6 से 7 प्लेटें आप बना सकते हैं। अगर आप पे मोल्डेड नहीं है और आपको खरीदने का मन भी नहीं है तो आप एम सील भी, अगर घर में पड़ी हो, कभी रिपेयर के लिए आई हो, एम सील पड़ी है, वेस्ट जा रही है, उससे भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप घर में इसको जो आपका मार्बल पाउडर होता है उससे बना सकते हैं, बट वो थोड़ा मैसी हो जाता है और कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका मोल्डेड का ही है। तो देखते हैं कैसे बनाया जाएगा ये। सबसे पहले मैंने इसमें दो पैकेट्स निकलते हैं। एक पैकेट है जिसमें करीबन ये ग्रेइश कलर का कुछ है और एक पैकेट है जो ब्राउन कलर का रहता है, ब्राउन कलर का मटेरियल निकलता है। ये दोनों आपको बराबर बराबर अंदाजन से बराबर बराबर लेने हैं। जैसे मेरा ये थोड़ा कम हो गया है, मैं इसको बढ़ाऊंगी। अभी आपको अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कम मात्रा में ही लें, क्योंकि ये एक बार बन गया, इस तरीके से मिल गया, फिर ये आप इसको उठा के नहीं रख सकते, ये फिर उसी समय आधे घंटे में सूख जाएगा और आपको वहीं की वहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो वेस्ट हो सकता है। अभी इसको अच्छे से मिलाना है। इसको अच्छे से मिलाने पे ये एक वाइट कलर का, ग्रेश वाइट, उस कलर में शिफ्ट बन जाएगा। ये जब आपका हो जाए इसको साइड में रखें। एमसील थोड़ी मैसी होती है, मोल्डेड कम मैसी है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मजबूती के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल लगाऊंगी। ये फेविकॉल मैं सिंपल इसलिए लगा रही हूँ कि मोल्डेड सेरेमिक बेस पे आसानी से चिपक जाए
ऑल्दो आराम से ही चिपकता है बट फेविकॉल लगाने से ये एक इंश्योरेंस हो जाता है, एक श्योरिटी हो जाती है कि हो जाएगा। अब मैंने ये आधा लिया, इसको मैंने इधर लगाया इस तरीके से, बेसिकली एक बेस बनाया है जिस पे मेरा पिक्चर फ्रेम हैंग करेगा। ये मेरा एक पिक्चर फ्रेम है, इसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया। अब अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो कील इसमें घुस नहीं पाएगी। आप देखिए, कील इसमें घुसाने के लिए मेरे को इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सूख गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, अब मैं इसके ऊपर एक दूसरी लेयर लगाऊंगी। मोल्डेड आपस में अच्छे से चिपक जाता है तो मुझे दोबारा फेविकॉल लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अच्छे से चारों तरफ से सील कर दूंगी, मोल्डेड आपस में चिपक जाए। जो नीचे का बेस है मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ताकि वो मैं इधर लगा सकूं। कील आसानी से घुस जाए मेरे को इसलिए ये नीचे प्रेस करना है। कोई क्रैक्स ना दिखें, अच्छे से इसको थोड़ा पानी लेके इसको स्मूद आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सूखने के बाद आपकी ये गंदी ना दिखे। आप चाहें तो इसको पोंछ लीजिए, वैसे तो ये पीछे जाएगा, दिखेगा नहीं, बट फिर भी नीटनेस का काम नीटनेस का ही होता है। ओके, अभी अब मैं इसको चेक करूंगी कि ये लेवल, ओ देखिए, अगर मैंने इसको चेक नहीं किया होता तो ये टेढ़ा है। अभी क्या होगा, अगर ये टेढ़ा रहेगा तो दीवार पे सही से थोड़ा टेढ़ी टिल्टेड लगेगी, इसलिए अभी तो टाइम सही है। मैं इसको प्रेस कर लूँगी, ऊपर से चेक करूँगी कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आराम से, एकदम आराम से इसको जैसी चाहिए उतनी बार शेप दे सकते हैं। तो अभी मेरा लेवल, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है लेवल में। बस एक लास्ट स्टेप बचा है फिर से ये दोबारा से चेक करने का, क्योंकि अगर कील नहीं घुसी तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बस ये रेडी है सुखाने के लिए। एक बार सूख जाएगा ये आराम से टंग जाएंगे। मैंने ऐसे चार बनाए हुए हैं, ये वाला तो मेरा ड्राई भी हो चुका है। 15 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टांगे जाएंगे।